सिरगांव के समीपस्थ ग्राम गोलवाड़ी में एक ग्रामीण के कोरोना संक्रमित पॉजिटिव होने की खबर के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। कोरोना संकट प्रबंधन समिति ने जहां ग्राम में लोगों की स्कैनिंग की, वहीं सिरगांव मार्केट को हाट बाजार शुक्रवार के दिन बंद करने का निर्णय लिया। बुधवार समीपस्थ ग्राम गोलवाड़ी का युवक कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बीएमओ डॉक्टर मनीषा मंडलोई के साथ सीएचओ रोशनी तिजारे, एमपीडब्ल्यू अखिलेश त्रिवेदी एवं स्वास्थ्य टीम ने ग्राम में जाकर स्कैनिंग की। तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार ने बताया कि कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में शिरकत करने आया युवक गोलवाड़ी में एक घंटा रुका था। वह कोरोना संक्रमित पाया गया है। जिनसे वह शादी समारोह में संपर्क में रहा उनकी स्कैनिंग की गई। वह संदिग्ध को लोगों को क्वारंटाइन किया गया। खतरे की आशंका को देखते हुए नगर में प्रति शुक्रवार लगने वाला साप्ताहिक हाट बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। इसी बीच बाजार खुलने का समय भी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया है। कोरोना संकट समिति की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन मार्केट सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खोले जाएंगे, और इसके अलावा जो आवश्यक सेवाओं की दुकानें, जैसे मेडिकल है, कृषि बीज है, इनकी दुकानें खुली रहेगी, एवं शुक्रवार के रोज टोटल सारी दुकानें बंद रहेगी, केवल मेडिकल और कृषि बीज की दुकानें चालू रहेगी। सर, जैसे जानकारी मिली है कि अभी अपने समीपस्थ ग्राम गोलवाड़ी में भी एक कोरोना संक्रमित की पॉजिटिव खबर आ रही है, तो सर क्या खबर सही है या फिर क्या एक्शन प्लान है उसके? इसके संबंध में मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई थी। मेरे द्वारा संबंधित बीएमओ मैडम को सूचित किया गया है। बीएमओ मैडम द्वारा अपनी टीम भेजकर गोलवाड़ी में स्क्रीनिंग का कार्य करवाया जा रहा है। भगवानपुरा से बबलू गुप्ता की रिपोर्ट।